बेटा क्वेश्चन नंबर 4, मुझे इसमें भी जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। मुझे क्या निकालना है बेटा? जनरल सॉल्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जनरल सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ गिवन है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स। आप यहीं पे समझे क्वेश्चन में, बिल्कुल अलग बात बना दी। यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, गलत क्या लग रहा है आपको? मैं तो आपके साथ हूँ बिल्कुल। जो आपको गलत लग रहा हो आप इसमें से हटा दो बेटा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, टेन वाई आपको गंदा लगा, काट दो, कर दो डिवाइड टेन वाई से। अब आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे कर दें, ऐसे कैसे कर दें? तो भाई आपकी बात भी सही है, यदि यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ भी करो और जीरो के नीचे भी करो। यदि जीरो को टेन वाई से डिवाइड करोगे तो वो जीरो आएगा बेटा। उसको चाहे तो आप रिपीट करके लिख भी सकते हो, चाहे तो आप मत भी लिखो। तो कई बच्चों के मन में आएगी जी बिल्कुल लिखो, तो भाई उनकी बात कैसे मना कर सकते हैं। ये लीजिए टेन एक्स लिख दिया भाई। यहाँ पर मैंने देखा कि सॉरी टेन वाई लिख दिया, बिल्कुल सही। मैंने देखा कि टेन वाई से टेन वाई तो कट गया। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई, यहाँ पर टेन एक्स लिखा हुआ है बेटा। जब यहाँ टेन एक्स लिखा हुआ है तो खामोखा की बात है, गलत बात है, दोनों तरफ लिख दो। तो हमने टेन एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दी और जी यहाँ पर भी हमने टेन एक्स की मल्टीप्लाई कर दी। तो लॉजिक तो बिल्कुल बढ़िया समझ में आया है कि हमने हर जगह जो मुझे चाहिए था उसी वैल्यू को मैंने ले लिया और मैंने उसको डिवाइड कर दिया। तो बेटा मेरे पास बचा क्या? लिखो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर बचता है जी टेन एक्स, और यहाँ है डी एक्स। प्लस में दे रखा है सेक स्क्वायर वाई। बेटा जी टेन एक्स से टेन एक्स कट गया, वैल्यू क्या आएगी सेक स्क्वायर वाई की? टेन वाई। यहाँ लिखो डी वाई इज इक्वल टू जीरो। जीरो को मैं टेन एक्स टेन से डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा, ये बात याद रख लीजिएगा कभी आप इसे भी सॉल्व कर रहे हो। हाँ, तो सेक स्क्वायर एक्स है, यदि आप सेक स्क्वायर एक्स को यहाँ को लें, डी एक्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? टेन एक्स। उधर ले जाइए माइनस सेक स्क्वायर वाई, यहाँ पर जो अपॉन में आया वो आएगा टेन वाई। यहाँ तक बिल्कुल वैल्यू समझ में आती है। अब यदि आप सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स को खोलें तो दोनों तरफ आपको क्या लेना है? फर्स्ट बेस इज डेट, दोनों तरफ आप इंटीग्रल लीजिए। आप टेन एक्स को लेट करेंगे, यदि टेन एक्स को टी लेते हैं, लेट करिए जरा टेन एक्स को टी, पुरानी बात, टेन एक्स का इंटीग्रेशन टी लिया तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। तो टेन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो मैंने कितनी बार पढ़ाया है आप सभी को, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? डी टी। आप सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे? डी टी अपॉन टी। सेम है ऐसी सेक स्क्वायर वाई टेन वाई है, यदि टेन वाई को टी लेट करेंगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा वैल्यू, वैल्यू में आ जाएगी बाहर डी एम लिख दीजिए, चाहे डी एम अपॉन एम। यहाँ तक बिल्कुल लॉजिक समझ में आया। तो बस यहाँ पे याद रखिएगा कि मैंने टेन वाई को क्या लिया था, टेन वाई को एम लिया था। टेन वाई क्या होता है? सेक स्क्वायर वाई, यहाँ पे लिखिएगा डी एम अपॉन डी वाई, सेक स्क्वायर डी वाई की वैल्यू आ गई डी एम। अच्छा, वन अपॉन टी क्या होगा बेटा जी? आप लिखेंगे वन अपॉन टी को लॉग टी, यहाँ पर आप लिखें तो यहाँ के लिखेंगे लॉग एम। लॉग टी की वैल्यू क्या होगी यदि बेस देखा जाए? तो देखिए लॉग टी की वैल्यू होती है, लॉग टी क्या है, टी की बात की जाए तो टी है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लिख दीजिए लॉग टेन एक्स, क्योंकि मैंने इसे टेन एक्स लिया था। यदि यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ लिखिए माइनस लॉग टेन वाई, लॉग टेन एक्स लॉग टेन वाई यदि उधर जाता है, साथ में तो सी आना ही है, तो मैं दोबारा से इसे इधर ले जाऊँ, यहाँ लिख देता हूँ लॉग टेन एक्स प्लस लॉग टेन वाई इज इक्वल टू सी। याद कर लीजिएगा जब दोनों तरफ लॉग हो तो सी भी क्या है? कॉन्स्टेंट है, सी पे भी लॉग ही लेना है। तो लॉग एम प्लस एन, यदि लॉग प्लस में होते हैं दो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। आई रिपीट डैट कि यदि लॉग आपस में मल्टीप्लाई में है, टेन एक्स टेन वाई है तो आपस में प्लस में है तो वो मल्टीप्लाई में जाते हैं, और सी को मुझे लॉग सी करना है, लॉग से लॉग का बेस हट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी? टेन एक्स टेन वाई इज इक्वल टू सी। तो जनरल इक्वेशन ईजीली क्लियर होती है। तो बेटा मैंने इसमें पढ़ाया कि किस तरीके से सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई था, मैंने सेपरेट किया, एक बार इस वीडियो को पढ़िएगा। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय वर्मा क्लास, आई एम प्रिंस वर्मा, माई कॉन्टैक्ट नंबर 9015190031।